दोस्तों, ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध खत्म होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फ़ोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? माता पिता ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन पहले एक बात जान लें आप लोग, सैनिक बोलता है युद्ध में वो बुरी तरह से घायल हो गया है, उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक दायां हाथ और पैर गवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूं। उसके ये बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ, हम उनके रहने के लिए कोई और जगह की तलाश करेंगे। बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा, हमारी अपनी ज़िंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए, वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ़्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दा घर ले जाया गया जहां वो अपने बेटे की पहचान कर सके। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, लेकिन ये देखकर उनकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं वो हम में से बहुत से लोगों की तरह हैं जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वो उन लोगों से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मज़ा आता है। वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो दिखने में स्वस्थ, सुंदर या स्मार्ट नहीं है या जिनके साथ वो मज़ा नहीं कर सकते, जो किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक है। इसीलिए वो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं।